अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें दिया है 1 + tan θ + sec θ मल्टीप्लाइड बाय 1 + cot θ - cosec θ जो है वो 0 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, या 2 के, या -1, है ना। तो जनरली इस तरह क्वेश्चन को ना मतलब सिंपलीफाई करने का हो गया ये क्वेश्चन, सिंपलीफाई करूँ तो 1 + tan θ + sec θ, ठीक है, और ये 1 + cot θ - cosec θ, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + सबको ना चेंज कर दो साइन थीटा बटे कॉस थीटे में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 / cos θ sec θ, फिर ये 1 + ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, -1 / sin θ, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा टर्म हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और इसको जब एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और इसको फिर ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे टर्म को और इसको अलग ले लेंगे, समझ में आ गया। तो अब देखो ये अगर ले a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में है तो इसको हम लोग कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ लाने के बाद इसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin θ cos θ - 1, समझ में आया कि नहीं आया। और ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ रहा है समझ में। अब ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बस ये हो गया। तो 1 + 2 sin θ cos θ - 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये -1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 2, ठीक है।